मथुरा के हाईवे इलाके में सलेमपुर रोड पर स्थित वृद्ध आश्रम में राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक द्वारा वृद्ध महिलाओं को 51 साड़ी वितरित की गई, साथ ही वृद्ध पुरुषों को 51 गिलास वितरित किए गए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का एक ही स्वर पर नाम रहता है, नर सेवा नारायण सेवा। इसी आस्था को लेकर यह संस्था कई जगहों पर गरीब बच्चों को शिक्षा से संबंधित किताब कॉपी, भोजन और वृद्धों को उनकी जरूरतमंद चीजें वितरित करने के लिए कार्यक्रम करती है। इस दौरान कार्यक्रम में राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक संस्था के संचालक संजय पंडित समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक के माध्यम से और संजय जी बहुत ही सुंदर परोपकारी का ये कार्य कर रहे हैं। यहाँ आकर आज वास्तव में हमने देखा कि बुजुर्गों की सेवा और उनसे मिलने वाला उनका आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण है, कितनी प्रसन्नता होती है हमें। ये जो माता पिता हैं उनमें हम देखें कि वास्तव में जैसे कि ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा हो, और वास्तव में एक सेवा इतना बड़ा धर्म है। यहाँ आकर के बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है। इसी प्रकार से हमारे समाज में और आगे से आगे ऐसे सहायक के और इस तरह से कार्य होते रहें, मेरी ऐसी भावना है आप सभी के लिए। और वास्तव में कहते हैं कि कौन देता है चींटी को कण भर और कौन देता है हाथी को मन भर। सबका पालन करने वाले तो ईश्वर हैं, साक्षात ठाकुर जी हैं, स्वयं प्रभु सर्वेश्वर हमें प्रेरित करते हैं। और हमारे माध्यम से इस प्रकार से सेवा करके और एक पुण्य का अवसर, साथ ही साथ एक परोपकार हमारे द्वारा हो, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो हम सब अपने जीवन को धन्य करें और इनका आशीर्वाद प्राप्त करें।